अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे फॉर्म आई है मेकअप के लिए, थर्ड मेकअप के लिए। तो आज का मेकअप आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो आज फॉर्मी क्या वेयर कर रही है? फॉर्मी साड़ी, आज साड़ी वेयर कर रही है। जो आपने जिसका ब्लॉग देखा होगा फॉर्मी के चैनल पे, तो चलते हैं चैनल की तरफ, तो ब्लॉग की तरफ, तो कनेक्ट करिएगा। तो जी जनाब, कैसे हैं मेरे सब्सक्राइबर? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। इसी तरीके से आगे सपोर्ट करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे कनेक्ट विद अस। और यहाँ पे मैं मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो मेरे व्यूवर्स पहले ही दफ़ा देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा कस्टमाइज बेस है। वो मैंने इनके फेस पर, फुल फेस पर अप्लाई किया है। और इसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको बहुत जल्द जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे दूसरे वाले चैनल एक अनमोल ब्यूटी पार्लर पर भी इसका ट्यूटोरियल है। तो इस चैनल पे मैं आपको एक और ट्यूटोरियल बना दूंगी कि कस्टमाइज बेस आप कैसे कैसे फाउंडेशन से, बेस से कैसे बना सकते हो। वो भी मैं आप लोगों के साथ फुल ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। इनके अकॉर्डिंग टू शेड, मैंने स्किन के अकॉर्डिंग टू शेड जो है वो ये वाला कलर जो है वो लिया है बेस का, और मैं फुल फेस पे लगा रही हूँ। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो डैम है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। उसको डैप डैप कर उसको जो है वो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। और बेस की ब्लेंडिंग जब तक आपने करनी है, जब तक आपकी बेस में अच्छी सी शाइन क्रिएट ना हो जाए, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये इसीलिए बताती हूँ कि आप जो बेस में गलतियाँ करते हो और फिर आप कहते हो कि भाई हमारा बेस जो है ना वो स्टे नहीं करता है, पॉलर वालियों का बेस कैसे स्टे कर जाता है, हमारा बेस क्यों स्टे नहीं करता। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको फॉलो करके आप बेस को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, ठीक है? मैं अच्छी तरीके से ये मैं आप लोगों के साथ जो इतनी मिनट की, तकरीबन मैंने 11.5 मिनट की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, ये मैक्सिमम मुझे बेस बनाने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे थे। तो मैं आप लोगों के साथ ये कट कर करके स्पीड बढ़ा के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है इनका शेड आइवरी, क्योंकि मुझे एक दो स्किन से कलर ऊपर चाहिए था, क्योंकि मैं इनका करने लगी हूँ स्मोकी मेकअप। और स्मोकी मेकअप के लिए बेस अगर थोड़ा सा हम अप रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा स्किन से ज़्यादा फेयर रखेंगे, तो स्मोकी मेकअप बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अगर आपको स्किन टोन पे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने बेस लॉक करने के लिए, आप चेक करो कि मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया है? अंडर आई पे, ठीक है? अंडर आई पे अप्लाई करने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अंडर आई पे अप्लाई करोगे तो क्रीज नहीं पड़ती हैं, क्योंकि जैसे ही हम बेस लगाते हैं, हम आईज में नीचे देखते हैं या बंद करते हैं, तो वो लाइन्स एक कुदरती लाइन्स बन हो जाती हैं। अगर बेस लगाओ तो वो और इन्हेंस हो जाती हैं, तो जो कि बहुत ही गंदा लगता है। तो आपने सबसे पहले बेस लगाने के बाद आपने बेस को लॉक लूज पाउडर से करना है। देन उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस दे सकते हो। अगर आपके इंटरफेरेंस नहीं है या तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं है, आपके पास कोई भी पैलेट हो उसमें से सिल्वर कलर पिक करिएगा, मेटेलिक शेड। उसके बाद ये ब्रो बोन पर अप्लाई करिएगा, फिंगर को आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, वेट करके, यानी कि गीली करके आप उसको एक्टिवेट कर लेना शेड को। देन उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया था ब्रो बोन पर और टियर डक पे, ठीक है? तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉर्फे का ब्रश लिया है और उस पीच का जो शेड है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन कलर के लिए। और उसको देखो, ट्रांजिशन कलर के लिए अच्छा, ये वाली पैलेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैट एंड मैजिक पैलेट है काशीज़ की, और मैंने एक अरसा ग्लैमरस फेस के ऊपर काम किया है, और बहुत ही कोई बेस्ट है। अगर आप प्राइस पे कहना चाहो तो अफोर्डेबल है। अगर आप अपने छोटा सेटअप लगाना चाहते हो तो आप ये वाली पैलेट बाय कर लो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं स्मोकी मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है वो बिगनर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर होता है कि हम एक तो पाउडर फॉर्म में स्मोकी मेकअप करना बहुत इजी होता है, जब आप केक लाइनर उठाओ और केक लाइनर से स्मोकी मेकअप करो तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप एक एक को फॉलो करिएगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना अच्छा। यहाँ पर मैंने जो है ना क्रीज़ एरिया ले लिया था, यानी कि जो भी मेरा क्रीज एरिया था उसको मैंने डी बना दिया था, और अंदर मैंने दिल बना दिए थे ऐसे ही, ठीक है? देन उसके बाद मैं उसको फिलअप करूँगी। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है कि ब्लैक कलर है तो वो फैल जाएगा, या फिर हम इतना बड़ा, इतना सारा जो हमने ब्लैक कलर उसको डिपॉजिट किया है आई के लिड के अंदर, तो वो हम कैसे मर्ज करेंगे या कैसे कंट्रोल करेंगे, तो मैं आप लोगों को वही बताऊँगी। सारी क्वेरीज आप लोगों की दूर होने वाली हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। और मैं रोज़ाना जो है ना वो डेली बेसिस पर शॉर्ट्स अप्लाई
करती हूँ, शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करती हूँ, तो वो आप लोगों ने देखने हैं। उसके साथ साथ कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो अब जो है ना वो डेली व्लॉगिंग या फिर डेली जो है ना वो अपलोड करूँ ट्यूटोरियल। तो आपको बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा व्लॉगिंग मेरी पसंद है या सबसे ज़्यादा आपको मेकअप ट्यूटोरियल या पार्लर के हवाले से ट्यूटोरियल पसंद है, तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने ये क्रॉलॉन का ब्रश दिया है, इसकी ब्रिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। जब हम केक लाइनर पर काम करते हैं उसको ब्लेंड आउट करने के लिए एक ऐसे ब्रश की ज़रूरत होती है जो ब्लेंड करने में आपको ईजी रहे और थोड़ा सा थिक हो। जितनी थिक होगा, आप उस आई में आपको नहीं समझा, आप इस आई में देख लीजिएगा, मैंने ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन का शेड जो है वो पिक किया था ब्रश के अंदर, और उसके ब्रशेज हार्ड में आपको दोबारा बता दूं, और उसको मैं जो ट्रांजिशन कर रहे हैं और ब्लैक कलर है उसका बॉर्डर को मैं मर्ज करूंगी और उसको ब्लेंड आउट करूंगी एक ब्राउन कलर से, और इसके जितने भी एजेस हैं उसको जो अच्छे से ब्लेंड करूंगी। जब आपका ब्रश थिक होगा तो वो अच्छे से ब्लेंड आउट होगा, छोटे छोटे स्ट्रोक आपने बनाते जाना है, और जिसकी ब्लेंडिंग है उसकी हार्श लाइन है आपने उसको बिल्कुल ही ज़्यादा ब्लेंड करना है। अगर आप जो इसको ब्लेंड करोगे तो पीच एरिया जो आपको एज अ ट्रांजिशन कलर डिपॉजिट किया था, जो ब्लैक कलर है उसमें एक अच्छा सा जो है ना वो बीच में एक कलर क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत लगेगा। अब आप देखिएगा कितना ही कोई प्यारा कलर आया है उठकर, और हर जो है ना वो दोनों तीनों शेड जो है वो बिल्कुल सेट और मिक्स एंड मैच लग रहे हैं। अगर आपको कोई फॉल आउट लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर ज़्यादा हो रहा है या कुछ भी, या फिर आपका ट्रांजिशन कलर जो है वो बिल्कुल लाइट हो गया है, तो आप उसको दोबारा जो है वो फ्रेश कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने लिड पर, सिर्फ लिड के मिड पर यानी कि सेंटर पार्ट पे मैं लगा रही हूँ सीलर। आप सीलर कोई से भी ले सकते हो, आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल सीलर आ चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी राय जानने चाहे तो आप जो है वो क्लेजोना ट्राई कर सकते हो, क्लेजोना भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसकी जो है ना वो थिकनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी जो है वो स्टिकनेस भी बहुत अच्छी है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ऑनलाइन क्लीटर बाय किए थे, चंकी क्लीटर, इतने ही कोई बेहतरीन है ना। मैं इसको तकरीबन ये देखने में तो वाइट लग रहे हैं आपको, लेकिन मैं उसको जितना जैसे ड्रेस पे लगाती हूँ ना तो वो 3D इफेक्ट देते हैं। 3D इफेक्ट यही होता है कि जो भी कलर आप लगाओ तो इस पर जो 3-4 शेड होते हैं तो वो आप 3-4 शेड पर लगाओ तो वही कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पोमी की जो साड़ी पे ये कलर आ रहे थे पिंक, ग्रीन और इस तरह के शेडेड आ रहे थे गोल्डन, तो ये इस तरीके के शेडेड मैंने अप्लाई करे हैं, बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहे थे। देन उसके बाद मैंने लाइनर ज़रूर लगाया है, क्योंकि जो भी मेरा फॉल आउट हो या फिर मेरा ग्लिटर आ गया हो तो इन्हेंस करने के लिए, आपको लैशेस लगाने के लिए पहले मैंने लाइनर लगाया है। मैंने कोई विंग लाइनर नहीं लिया, जस्ट लैश बैंक कवर किया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी, मैंने लिया था काशी का ये वाले डस्ट गोल्डन कलर की, जो मैं टियर डक पे लगाऊंगी, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया आएगा और बिल्कुल शार्पनेस नहीं आएगी। और इसका जो कलर है ना ये गोल्डन कलर है, बिल्कुल बारीक वाली डस्ट होती है ना काशीज़ की, इसका नंबर मुझे इतना नहीं याद आ रहा, आई थिंक 01 है ये वाली डस्ट काशीज़ की। और मैं यहाँ पे छोटे से ब्रश के साथ सिंपल मैं ये टेयर डक पे अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ऑल टाइम माय फेवरेट मस्कारा, ठीक है। देन उसके बाद मैं थंब रखकर उसके बाद मैं इसको पहले आपने अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों को कवर करना है, ठीक है। मेक श्योर करना है कि आपका मस्कारा अच्छे से लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिगिनर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम मस्कारा लगा लेंगे तो हमारा बेस ख़राब हो जाएगा, लोअर लैश पे लग जाएगा या फिर आईज मैसी हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ में उतनी ही सफाई आएगी। लैशेस के लिए मैं ले रही हूँ इंजीर के लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने लैश गम जो ली थी वो मैंने ली थी एसटी लंदन की। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लैश अप्लाई करती थी, जब लैश जो है वो स्टिक हो जाएगी अच्छी से, उसके अंदर स्टिकनेस आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं काशी का ब्रोबन मेकर ले रही हूँ, क्रैलॉन भी ले सकते हो, क्रिस्टीन भी ले सकते हो, बस आपके अंदर जो है ना वो लगाना या फिर अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद मैं एक लोकल ब्रश मैंने लिया हुआ है, कोई ब्रांड हाई ब्रांड का नहीं है, मैंने एक लोकल मार्केट से बाय किया था। मैंने क्रेलॉन पे भी जो है मैं बनाती हूँ, मैं आपको अक्सर दिखाऊंगी, लेकिन मेरे इस वक्त जो मैंने ये ब्रश लिया है वो मैं अभी तकरीबन ये मेरा रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा ये वाला ब्रश आजकल यूज़ कर रही हूँ। और मैं जो है वो सिर्फ अच्छा, जब आप स्मोकी मेकअप करो और आईब्रो को कवर करो तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखाना है आपको, आईब्रो को फिलअप ज़्यादा शार्प नहीं करना है, क्योंकि स्मोकी मेकअप पर अगर आप शार्प आईब्रो फिलअप करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लुक देता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैसी लगता है, कोई प्रोफेशनल लुक नहीं आता। कंटोरिंग किट यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कंटोरिंग के लिए आप देख सकते हो कि मैंने कोई गाइडलाइन नहीं ली है, एज अ गाइडलाइन मैंने पोमी को कहा था कि आप ऐसा पाउटी लिप्स बना लो कि तो कंटोरिंग की मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी। देन उसके बाद मैंने सारे फेस कंटोर किया है, फेस की फुल शेप आउटलाइन शेप दी है, ठीक है। अच्छा, पोमी का फेस थोड़ा सा राउंड है, चबी फेस हल्का सा है, तो मैं उनको जो है वो थोड़ा सा स्लांट में यानी कि लंबे फेस दिखाने के लिए इस तरह जो है वो मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। क्रिस्टीन का ब्रश लिया है मैंने, एंगल ब्रश, और उससे
मैं नोज़ की कंटोरिंग कर रही हूँ, आप चेक करें मैं किस तरीके से कंटोरिंग कर रही हूँ। पहले लाइन क्रिएट करके देन उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ नोज़ की, ताकि हर चीज़ जो है ना वो ब्लेंड आउट और नेचुरल लगे, कोई भी थोपा हुआ मेकअप ना लगे। ठीक है, जितनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी हर चीज़ में उतना ही मेकअप आपका नेचुरल और फ्लॉलेस लगता है। ठीक है, आपने ब्लेंडिंग करनी है, मैंने ब्लेंडिंग जो है वो कंटूरिंग की बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पोमी का जो मेहंदी वाला मेकअप था उस पर भी मैंने आप लोग के साथ फुल ट्यूटोरियल शेयर किया है, आप लोगों ने वो भी चेकआउट कर लेना है। जो बारात का ट्यूटोरियल था वो भी आपने चेकआउट कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा एक एक टिप्स एंड ट्रिप्स होती है। जो भी ट्यूटोरियल होता है मैं हर एक में ना कोई डिटेल में ज़रूर आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। काशी का मैंने यहाँ पर काशीज़ का मैंने लिया है यहाँ पर ब्लश एंड पैलेट, पीच और पिंक को मिक्स करके मैं ब्लश लगा रही हूँ, एप्पल चिक्स दूंगी इनको मैं। और जब आप ब्लश लगाओ तो आप क्लाइंट को बोलो कि स्माइल करें, क्योंकि जो स्माइल करेंगे तो फेस में से जो चिक्स उठकर आते हैं तो हमें ब्लश लगाने में बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे किया है, उसके बाद आपने अच्छा 90 एंगल की डिग्री पे आप जो है वो सेटिंग स्प्रे करोगे। डैम करने के बाद आपने हाइलाइटर लगाना है, 80% ड्राई होने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो ऐसा पीच सा जो है वो शेड लगा रही हूँ ग्लॉस का। तो अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद है तो ज़रूर आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लोअर लैश पे मैंने ब्लैक कलर आउटलाइन उसको ब्राउन से मर्ज किया था, जेल लाइनर मैंने व्हाइट लगाया था काशीज़ का, और लोअर लैश पे भी मस्कारा लगाना नहीं भूलिएगा। तो अगर आपको ये मेरा मेकअप पसंद आएगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए कनेक्ट रहेगा मेरे चैनल के साथ। तो बताइए हमें सचिन में कि फोमी का लोग और सार का लोग कैसा लगा? फोमी कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। फोमी लगता है? अभी लोग हो रहे थे तो जरूर बताइए हमें सचिन।